हेलो माय प्रिय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यशी मल्टीटास्कर्स। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ वो एक मेकओवर वीडियो है। और मैं हाल ही में इस घर में नई नई शिफ्ट हुई हूँ, ये एक रेंटेड हाउस है। तो मैं इस घर का जैसे जैसे मेकओवर कर रही हूँ उसी हिसाब से मैं कुछ ना कुछ कॉन्टेंट यानी कुछ ना कुछ मेकओवर वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। तो आज भी मैं एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने इस नए घर का एक कॉर्नर है उसका मेकओवर किया है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपके सामने वही शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिलेगा। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो इससे कुछ ना कुछ आइडिया आपको जरूर मिलने वाला है इस वीडियो से। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इसी एरिया का मेकओवर करने वाली हूँ। और ये जो एरिया है वो मेरे मेन एंट्रेंस के गेट को जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं लेफ्ट साइड में ये एरिया पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की डस्टिंग कर ली थी और डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे काफ़ी बड़ी विंडो है और मेन एंट्रेंस भी हम यहीं से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर्टेन वगैरह लगा रखे थे, उसी कर्टेन को मैं यहाँ पे अच्छे से फैला रही हूँ। कर्टन वगैरह लगाने के बाद अब बारी आती है इस लैडर शेल्फ को यहाँ पे रखने की। तो इस लैडर शेल्फ को मैंने जैसे ही हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं उसके लेफ्ट साइड में रख रखा है। और इस लैडर शेल्फ की जो हाइट है वो 5 फीट है, ये इंजीनियर बोर्ड का बना हुआ है और अमेजन पर भी काफ़ी ईजिली ये अवेलेबल है। तो अब इसके बाद मैं इस पर करने वाली हूँ उसकी अच्छे से डस्टिंग। और डस्टिंग करने के बाद मैं इस पर कुछ ना कुछ चीज़ों को अब डेकोरेशन के लिए रखूँगी। सबसे पहले जो चीज़ मैंने इस पे रखी थी वो था ये डिफ्यूज़र। और इस डिफ्यूज़र को मैंने सबसे टॉप पे डेकोरेट किया है क्योंकि इसका जो प्लग है वो साइड में दिया हुआ है, तो आराम से मैं इसे यहाँ पे ऑन कर सकती हूँ। और उसके बाद ये मैंने यहाँ पे गणेश जी का आइडल रखा है। और ये एक DIY लैम्प है, वो मैंने यहाँ पे मतलब विंटेज लैम्प, इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो वो भी मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। इसके बाद कुछ ना कुछ निकनेक आइटम, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जैसे कि आप अभी ये प्लांटर देख रहे हैं, इसे मैंने मीशो से परचेज किया था, वो सब मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अगर आप होम डेकोरेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप लैडर शेल्फ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इस पर आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक ही जगह पे डेकोरेट करके रख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम रेंटेड हाउस में रहते हैं तो वहाँ पे नेल वगैरह अलाउ नहीं भी होता है और हम खुद भी नहीं करना चाहते, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है कि आप लैडर शेल्फ पे इन्वेस्ट करके सारी चीज़ों को आप एक ही जगह पे डेकोरेट करके रख सकते हैं। ये काफ़ी क्लासी भी लगता है और उस कॉर्नर को इन्हेंस भी कर देता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ कुछ आइटम्स को इस पर रखा है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको बल्की नहीं किया है, सिंपल सिंपल चीज़ों को ही मैंने इस पर रख के इसको डेकोरेट किया है। आप ग्रीनरी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, फ्लावर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं, फ्लावर्स आप रियल भी लगा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस शेल्फ को डेकोरेट किया है। ये एरिया थोड़ा सा बड़ा है तो इस एरिया में इस लैडर शेल्फ को रखने के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे खाली था, तो उस स्पेस को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक डेकोरेशन और की है। तो ये जो आप देख रहे हैं मेटल की जो ये स्टैंड है वो मैंने एक लोकल वेंडर से बनवाया था, तो उसी को मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। ये मैंने सेट ऑफ 2 बनवाया था और इसके ऊपर मैंने ये वुडन की जो ट्रे होती है वो प्लेस कर दी है। और इसके बाद इस पर मैंने कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे डेकोरेट किया है। तो आप देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें इस पर रखी हैं। तो जो आप ये लैम्प देख रहे हैं ये भी एक DIY लैम्प है, इन सब का शॉट मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही डाला था। और अब आ रही आती है कुछ ना कुछ इस ग्रीनरी ऐड करने की, तो इस ट्रे पे मैंने कुछ ना कुछ ग्रीनरी ऐड करी है। तो ये सारे आर्टिफिशियल ही फ्लावर्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर रख के इस कॉर्नर को और भी ज़्यादा डेकोरेट कर दिया है। इस टी लाइट होल्डर को जो आप देख रहे हैं वो मैंने मैक्रेम थ्रेड की हेल्प से बनाया था और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है किसी कॉर्नर पे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस कॉर्नर को भी डेकोरेट करके ये एरिया को फिल कर दिया था, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था ये एरिया और पूरी जो भी स्पेस था वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज भी हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ रियल प्लांट्स भी रखे हैं जैसे कि अरिका पाम जो मैं लेके आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, उसको भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो अब चलिए इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं।
इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो मोस्टली DIY हैं, और इन सब का शॉर्ट्स जो है वो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही डाला था, और सारी चीज़ें बजट में हैं, कुछ भी चीज़ बाहर से परचेज नहीं की है। कुछ कुछ ही चीज़ें मैंने ली होंगी, बाकी सारी चीज़ें घर में मेरे पास पहले से अवेलेबल थी, बस उनकी जो प्लेस है वो मैंने चेंज करके इस तरीके से इस कॉर्नर को इन्हेंस किया है। तो ये मुझे काफ़ी सुंदर लगता है अपने घर का ये कॉर्नर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये था एक छोटा सा मेकओवर वीडियो जो मैंने अपने घर के किसी एक कॉर्नर का किया था। तो ऐसे ही मेकओवर वीडियो मैं आपके सामने लाती रहूँगी। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारा जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे ही नए नए वीडियोज़, मेकओवर वीडियोज़ या और भी कंटेंट जैसा अभी आपको देखना पसंद हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।